ये दोनों एक साथ कर लो, वर्तमान है दोनों। नीति यादव है, मेरे पति का नाम है पद्म प्रकाश यादव, जो हमें शुरू से धोखा देते आए हैं, हमें रख नहीं रहे थे। तीसरे दिन हम ससुराल में गए, तीसरे दिन हमारा जेवर छीन लिया गया, उसके बाद हमें ढंग से रखा नहीं गया, चौथी हमारी चलने नहीं दी गई सर, और उसके बाद हमें निकाल दिया गया घर से बाहर कि जा यहाँ से, अब मम्मी पापा को तू बुला ले और यहाँ से चली जा। हम चले गए घर पर सर अपने मायके में, उसके बाद एक साल तक हमको बुलाया नहीं। फिर हम त्रिवा कन्नौज में सर हम गए, वहाँ पर हमने रहने के लिए गए, तो ये चार पाँच दिन इनके घर क्वार्टर पे रहे, तो ये हमारे वहाँ रहने नहीं दिया हमको, वहाँ पे गाली गलौज करके मार पीट कर बाहर निकाला। वहाँ महिला कांस्टेबल सर मिल गई, महिला कांस्टेबल ने हमसे ये कहा तू तलाक दे दे, तेरा बिगड़ा गया, तू नौकरी करना, इस तरह करके सर कहा। उसके बाद हमारे पति ने हमको लगातार धोखे में रखा और महिला कांस्टेबल से शादी कर ली, महिला प्रमिला यादव, महिला और एक तरफा तलाक। इसी बीच में हम लगातार जाते भी रहे और इसी बीच में हमारे पति ने धोखे से एक तरफा तलाक लेके महिला कांस्टेबल प्रमिला यादव से शादी कर ली, मदारीपुर की है वो सर, मंदिर में आर्या समाज मंदिर से। अभी तक कहाँ कहाँ शिकायत की है सर? हमने आईजी शुरू से लेके की है, ललितपुर में पोस्टिंग पहले कन्नौज थी, एसपी सर के पास गए, फिर ललितपुर में थी हमारे उनकी पोस्टिंग, तो हम वहाँ गए, वहाँ पे भी एसपी सर के पास की, फिर आईजी सर के पास की, आशुतोष पांडे सर थे, फिर उसके बाद वो डीआईजी सर थे उनके पास भी गए, फिर हम डीजीपी भी सर के पास गए, वहाँ पे हमसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी डीजीपी सर के यहाँ, तो नीचे फिर उसके बाद आईजी सर आलोक सर थे, उनसे हमने उन्होंने हमें फतेहगढ़ में आए, उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने पूरी वाक्या भी हमारी सुनी और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हाँ ठीक है तुम्हारा मतलब न्याय मिलेगा तुम्हें, फिर बर्खास्ती की आदेश भी कर दिए, लेकिन